हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसको पार्ट वन पार्ट टू दोनों भाग में बनाई जा रही है, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे हमारी प्यारी मृणाल ठाकुर की 18 फिल्में और उनके वर्ड एक्ट्स। उनकी नेचुरल एक्टिंग और अदायगी ने हर किसी का दिल जीता है। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से जानते हैं फिल्मों के बारे में। नंबर वन, हेलो नंदन। 2014 में उनकी ये पहली फिल्म मराठी थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया था राहुल जाधव। फिल्म के कलाकार आदिनाथ कोठारे, मृणाल ठाकुर, नीना कुलकर्णी थे। एक मोबाइल फोन जिसमें छिपा था हीरो नंदन का फ्यूचर। फोन गुम होने पर उसको रिकवर करते हुए उसकी जिंदगी पूरी तरह से ट्विस्ट और टर्न से भर गई। करप्ट सिस्टम के साथ उनकी यात्रा, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 3 रेटिंग और मिक्स्ड रिव्यूज के साथ एवरेज करार दिया गया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उपलब्ध नहीं है। नंबर टू, विटी डेंडू। वही उनकी दूसरी फिल्म गणेश कदम द्वार डायरेक्ट की हुई 2014 की हिस्टोरिकल पेट्रियोटिक मराठी फिल्म है, जिसमें उनके साथ नजर आया दिलीप प्रभावलकर, अशोक समर्थ और भी कई सारे शख्स। आजादी से पहले के समय पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए एक गांव के ग्रुप की कहानी है। IMDb ने 7.5 रेटिंग के साथ हिट करार दिया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 9 करोड़ है। नंबर थ्री, सूरज। 2014 में उनकी ये तीसरी फिल्म संतोष मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी। ये एक सुपरस्टिशन ड्रामा फिल्म है जिसकी कास्ट में है वैभव तत्वावड़ी, मृणाल ठाकुर, शरद पोक्षे जैसे प्रतिभाशाली सितारे। एक इंटीरियर डिजाइनर अपने गांव में अंधविश्वास के विरुद्ध फाइट करके कैसे मेडिकल सुविधा लाए, उस पर आधारित है कहानी। मूवी को IMDb ने 6.3 रेटिंग के साथ एवरेज करार दिया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उपलब्ध नहीं है। नंबर फोर, लव सोनिया। 2018 में उनकी चौथी फिल्म रियल इवेंट बेस्ड हिंदी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक लड़की का संघर्ष और सेक्स ट्रैफिकिंग को दिखाया गया है। मृणाल ठाकुर के साथ राजकुमार राव, अनुपम खेर जैसे कई सारे महान कलाकार हैं मूवी में। डायरेक्टर है तब्रेज नूरानी। फिल्म का बजट 15 करोड़। IMDb ने 7.4 रेटिंग दिया, पर बॉक्स ऑफिस में लगभग 1.75 करोड़ कलेक्शन के साथ डिजास्टर साबित हुआ। नंबर फाइव, सुपर 30। वही 2019 में उनकी ये फिल्म है पटना के मैथमेटिशियन आनंद कुमार की बायोग्राफी बेस्ड, जिसमें लीड रोल में है ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर और इसको डायरेक्ट किया है विकास बैल। 60 करोड़ बजट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही और लगभग 209 करोड़ का कलेक्शन किया। 91% गूगल यूजर्स ने मूवी को लाइक किया। 7.9 रेटिंग मिला IMDb की तरफ से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्यूट मृणाल ठाकुर आपकी पसंदीदा है तो लाइक कीजिए और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म्स के डिटेल्स वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। नंबर सिक्स, बाटला हाउस। निखिल अडवाणी द्वारा डायरेक्टेड 2019 की ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने आतंकी शूटआउट के खिलाफ हुई लड़ाई को दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन थे। 45 करोड़ बजट की ये फिल्म 113 करोड़ बजट के साथ हिट हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.2 और 73% गूगल यूजर्स ने मूवी को पसंद किया। नंबर सेवन, गोस्ट स्टोरीज। साल 2020 में आई उनकी अगली फिल्म एंथोलॉजी हॉरर बेस्ड है। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉम्बे टॉकीज और लस्ट स्टोरीज, ये दोनों फिल्म का सीक्वल है। इस फिल्म के लीड पर है मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर, अविनाश तिवारी। 43% गूगल यूजर्स ने लाइक किया और IMDb ने 4.4 रेटिंग दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुआ। फिल्म नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी। नंबर एट, तूफान। फिर 2021 में उनको ये स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म पर नजर आए। एक बॉक्सर की संघर्षपूर्ण जीवन कहानी और नेशनल तक का सफर को दिखाया गया। इसमें उनके साथ फरहान अख्तर, परेश रावल को देखने को मिला। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट 50 करोड़ है, जो अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 और गूगल यूजर में 56% लाइक के साथ एवरेज का टैग मिला। नंबर नाइन, धमाका। राम माधवानी के द्वार डायरेक्ट की हुई ये एक्शन थ्रिलर फिल्म उसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कास्ट में है कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर। टीवी से रेडियो में एक एंकर के रूप में अर्जुन पाठक को फिर से नियुक्त किया गया और उसके बाद ही धमकी भरी कॉल के साथ डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों ही मिला। अब कैसे दोनों को एक साथ डील करते हैं, उसमें छुपा है कहानी का राज। 7 रेटिंग मिला IMDb की तरफ से और 73% गूगल यूजर्स ने लाइक किया। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। दोस्तों, बाकी 9 फिल्म के डिटेल्स के साथ पार्ट 2 वीडियो लेकर जल्दी ही मिलेंगे आप सभी के साथ। पार्ट 2 वीडियो के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।